सुनना, एक ब्लॉक का फ्रेम लेना, ब्लॉक का फ्रेम लेना, तेरे में लेना है ना, तेरे में ले। कैसा फ्रेम लो? ब्लॉक का, ब्लॉक में डालेंगे। वाइड या नॉर्मल? अरे वीडियो में लेना, वाइड एंगल अच्छा लेना, वाइड मत ले अभी फटेगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ सबके, अभी सबके आंसर दूंगा कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, किस सिचुएशन में था। एक बार सब आ जाए फिर उसके बाद हम बातें करते। आवाज़ बैठ गई मेरी थोड़ी, बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो, हाय 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 हाय, हेलो हेलो, हाय, लव फ्रॉम ओडिशा, थैंक यू, हाय कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो गाइस? सब बढ़िया हो? आप टकला क्यों किए? आपने टकला क्यों किया? टकला कैसा लग रहा है गाइस मेरा? ये न्यू लुक बनाने का भी कुछ रीजन है। मिस यू टू गाइस, मैंने भी बहुत मिस किया आपको, बहुत से लोगों को, अपने यूट्यूब फैमिली को भी और अपनी इंस्टाग्राम फैमिली को भी, बहुत मतलब बहुत ही। और मुझे भी पता है आप सब, मेरे पास तो आपकी बात नहीं पहुंच पा रही थी, बट मेरे फ्रेंड्स लोगों को आप जो मैसेज कर रहे थे, जो मेरे क्लोज, जो मेरे साथ घूमते, जो मेरे साथ बैठते, आप उनको मैसेज कर रहे थे, उनको पूछ रहे थे कि क्या हुआ है रोहित भाई, क्यों नहीं है ये वो। तो बस यही सब, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं आपके लिए कुछ हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी वजह से आपको कुछ सीखने भी मिलता है, और मेरी वजह से आपके चेहरे पर हंसी भी आती है, और मेरी वजह से आप कुछ नया देखते हो। और यही मेरा काम है, और यही मेरा काम रहेगा कि मैं अपनी तरफ से सब दिखा सकूं और कुछ अलग अलग कर सकूं। तब जाके आप मुझे इधर तक लेके आए, ये एंगेजमेंट मैंने पाया जो आज तक, मतलब इतने कम में इतना ज़्यादा मैंने तो नहीं देखा, पर किसी का नहीं था यही सब। और गाइस मेरे आज 15वां दिन, मतलब 15 दिन हो गए आज इनएक्टिव था, और मैं आज आया एक्टिव हुआ। तो रीज़न मेरा ये था कि मेरे डैड की डेथ हो गई, मैं, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, हम लोग सब गाँव गए थे, मेरे फ्रेंड्स, और मैं अपने इंस्टाग्राम पे ये सब नहीं था। देखो आप भी मेरी फैमिली हो, और मेरे फैमिली में भी ये सब मैटर हो, मैंने सोचा था कि आपको कहीं ना कहीं बताऊँ, बट सिचुएशन वैसी नहीं थी, जाना पड़ा हमें सबको। और मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन के लिए, मतलब नहीं आता एक्टिव, और कहीं ना कभी ना कभी किसी ना किसी दिन आपको ये बात पता चलनी थी, और बात छुपाए से, मतलब छुपाई जाती नहीं है। तो बस मेरा यही था मानना कि मैं आपको सबको बताऊं, और क्योंकि मैंने आज तक आपसे कोई बात छुपाई नहीं है, जो है मैंने सब आपके सामने है, और जो हूँ मैं सब आपको पता है, मैं कैसे, कहाँ से, कैसे आया हूँ, कैसे, कहाँ से ये हुआ। और बहुत से लोगों, कुछ लोगों को ये बात पता भी थी, और कुछ लोगों को नहीं पता थी, तो मैंने आपको बताने का सोचा, और मैं आया वापस। मतलब मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं कभी वापस आऊँ, रिटर्न आऊँ, कि मुझे वापस आना इंस्टाग्राम पे, बट मुझे कहीं ना कहीं मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे समझाया कि इतना इधर तक आ गया तो तू इतना क्यों नहीं कर सकता। और मेरे लिए सबसे अच्छी, मतलब मैं इतना लक्की हूँ, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था कि गाइस मैं आपको लिख के देता हूँ कि मैं 10-15 दिन में अपने 10 मिलियन कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद मैं अचानक इनएक्टिव हो गया। फिर भी वो मेरी बोली, मतलब जो आज तक मैंने बोला है, जो आज तक मैंने मांगा है, वो मैंने पाया भी है।
मतलब उसके पीछे बहुत सारी मेहनत भी लगी है, लकीली मतलब टच वुड की मैंने उस दिन बोला और आज ये मेरे बिना कुछ किए, बिना कुछ वीडियो डाले, बिना कुछ मतलब आपको भी पता मैं इनएक्टिव था, फिर भी मेरे 10 मिलियन हो गए बिना कुछ किए। और मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि मैं 10 मिलियन के दिन ही एक्टिव होऊंगा, क्योंकि गाइस आपको पता है हमारे में जो लोगों को ये बात पता है कि अपने में 10वां होता है 13वां होता है, तो परसों ही 13वां हुआ और सब मेहमान घर पे थे, सब पूजा वूजा हुई और कल का दिन मैंने क्या रखा, तो फिर मॉम ने मुझे बोला, दीदी ने मुझे बोला, सब फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि, और मैंने भी खुद को बहुत समझाया इन दिनों में, मैं घर में ही था, ना कहीं गया, ना मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, ना कुछ देख रहा हूँ, तो इन दिनों में मैंने अकेले रह के बहुत सी बातें खुद को बताई और बहुत सा खुद को समझाया। और कुछ दिन अकेला भी रहा, मेरे फ्रेंड भी मुझे रोज़ आते थे मिलने, नीता भी 2 बार आके गई, और कुछ लोग थे जो मुझे फ़ोन करके मुझे समझाते थे कि ब्रो अपने आप को कभी मतलब ये मत होने देना, कभी सैड मत होने देना, कुछ ऐसा सोचना मत कि आपको ये सब सहना पड़ेगा, आपके साथ हम लोग हैं। और बहुत से लोगों ने मुझे हिम्मत दी और मेरे लिए सबसे मेन चीज़ थी कि मेरी फैमिली मेरे लिए थी और मैं स्ट्रांग था। अगर मैं ही अगर हिम्मत छोड़ देता तो फिर मेरे घर वाले भी नहीं देख पाते। वो कहते ना मतलब जब बिल्डिंग बनती, जो मैंने अपनी बात ये ब्लॉग में भी बोली, जब समझो कोई बिल्डिंग बनती तो उसके नीचे एक सपोर्ट होता है, अगर वो सपोर्ट ही हट गया तो बिल्डिंग तो खड़ी नहीं रहेगी ना। वैसे मैं अपनी फैमिली का एक सपोर्ट हूँ कि मैं मुझे कभी हटना नहीं है, मुझे उधर ही डटे रहना है और यही सब चीज़ें मेरी लाइफ की, और आप मेरी लाइफ का हिस्सा हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यही रीज़न था और यही मेरी सच्चाई थी। बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि रोहित मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम होगी और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब ऐसा मतलब आपको भी पता है कि कौन क्या बोल रहे हो क्या नहीं, बट थैंक यू सो मच। आज मेरे 10 मिलियन हुए, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था और मैंने बहुत सा सोचा था कि मैं बहुत इन्जॉय करूँगा इस दिन, मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को लेके बहुत इन्जॉय करूँगा, मैं ढोल ताशे सब मंगाने वाला था, सब अपने फ्रेंड्स लोगों को बुलाने वाला था, मतलब बहुत सा सोच के रखा था मैंने 10 मिलियन के, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, 1 करोड़ पब्लिक आज मेरे साथ है। और आज का भी आपने देखा होगा एंगेजमेंट और वीडियो पे आपने रिस्पॉन्स देखा होगा फोटो पे, मैं कुछ तो हूँ आपके लिए इसलिए आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। इसलिए मैंने भी ऐसे सोचा कि आपसे ये बात नहीं छुपाई, मतलब मत छुपाओ और जो है आपको बता दूँ, यही सब था। और थैंक यू आपको भी, थैंक यू मेरे फ्रेंड्स को भी और थैंक यू मेरी मोमेंट दीदी को भी कि मुझे इतना स्ट्रांग बनाने के लिए और मेरे लिए इतना सब करने के लिए, मुझे समझने के लिए। मेन चीज़ तो गाइस समझना होता है, अगर कोई किसी को समझेगा ही नहीं तो आदमी आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो बस यही सब था मेरा रीज़न और मेरा ये सब, सो थैंक यू जो था मेरा मेरी सच्चाई उस मैंने आपको बताई, लव यू और अगेन थैंक यू सो मच कि 10 मिलियन हो गए मेरे। तो कुछ नहीं, अगर हम लोग अभी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं अभी कब सेलिब्रेशन करते। मैंने तो आज का दिन अपना सेलिब्रेशन नहीं किया, फिर भी नीता ने कुछ मेरे लिए किया, वो सब मैं आपको कल अपने ब्लॉग में, मेरा ब्लॉग लगभग कल आ जाएगा तो मैं अपने ब्लॉग में दिखा दूंगा आपको। और आज से हम एक्टिव रहेंगे रेगुलर, सो लव यू, कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट तो आपका है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लव यू और ये बैक सपोर्ट हो आप मेरे लिए, थैंक यू, बाय।